नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। इस वक्त हम आए हुए वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के भालपुंग सब डिवीजन पे, जहाँ पे कुछ ही दिनों पे स्टेट लेवल एक इवेंट होने वाला है, जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं प्रिपरेशन चल ही रहा है। यहाँ पे जो लेडीज है वो मेगा डांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ के ग्राउंड में भी ऑलरेडी पूरा तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है वो कमिंग अप इवेंट के लिए। तो चलिए सीधे जाकर हम ऑर्गेनाइजर से जानते हैं कि एग्जैक्टली इवेंट कौन सा है और कब से कब तक चलने वाले हैं। ओवरऑल हम पूरे डिटेल जानते हैं ये इवेंट के बारे में। चलिए, तो अभी हमारे साथ जो इवेंट होने वाला है फुटबॉल को लेकर, उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे सीधे हम जानते हैं रिगार्डिंग ये इवेंट के बारे में। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे इंट्रोडक्शन से, उसके बाद आगे बात करेंगे। जी, थैंक यू। मैं डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का तरफ से मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम को आप लोग के इंटरेस्ट दे करके, इसको पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, आप आने के लिए। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ, आपका टीम को इस प्रोग्राम में। तो ये इस बार 2022 द 10th फॉर द बॉयज एंड द 4th अंडर 17 फॉर गर्ल्स। ये 10th एंड 4th बॉयज एंड गर्ल्स स्टेट लेवल सुब्रत फुटबॉल मुखर्जी कप स्कूल लेवल जो इस बार भालुकपुंग में कंडक्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 19th टू द 1st ऑफ अक्टूबर। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ऐसे चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, इन्होंने अपना टाइम को दिया है इस प्रोग्राम में, ऐसे चीफ गेस्ट कंसेंट किया गया है। इनको भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से और डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से खासकर, तो इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए हम लोग ने ये इनवाइट किया गया ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स श्री मामा नाटोंग जी, तो इन्होंने भी कंसेंट किया है। और चीफ पैट्रॉन के रूप में हम लोग ने एजुकेशन मिनिस्टर इंजीनियर टबा टेडी सर, और पैट्रॉन के रूप में यहाँ का लोकल MLA ऑनरेबल MLA श्री कुमसी सिडिसो सर, और ये मेन इनों का ये है, हम लोग गेस्ट इनवाइट किया गया है तो इन लोगों ने कंसेंट किया है। और कमिश्नर एजुकेशन मैडम पद्मिनी सिंगला और डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन श्री मार्किन काडू, इन लोग रहेंगे इस प्रोग्राम में। और इसके साथ में बाकी जितना पब्लिक्स है इस प्रोग्राम में, यहाँ का लोकल पब्लिक भी रहेंगे और पंचायत लीडर्स भी रहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम को लेने के लिए जैसे ही फर्स्ट लास्ट ऑनरेबल MLA साहब से हम लोग एक बार मीटिंग करने के लिए आया था, इन्होंने बहुत तन मन धन से, इनका इतना इंटरेस्ट है इसके लिए, मैं बहुत इनको डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनका इंटरेस्ट से ही जितना काफ़ी कुछ अरेंजमेंट इनका इनिशिएटिव्स में अभी हो रहा है और प्रोग्राम 19 को शुरू होगा। तो ये सर जैसे थोड़ा सा काटना चाहूँगी, क्योंकि सर जैसे आपने बताया कि 19 से शुरू हो जाएगा, 1st अक्टूबर तक चलेगा, तो सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपके गेस्ट इनवाइटीज वगैरह के बारे में बता दिया, तो अभी हम इन टोटल जानना चाहेंगे कि क्योंकि स्टेट लेवल स्कूल का जो फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, तो कितने टीम पार्टिसिपेट करने वाले हैं टोटल में, और बॉयज़ और गर्ल्स में कितना टीम रहेगा वो भी जानना। इसमें 26 डिस्ट्रिक्ट्स बॉयज का रहेगा और 26 डिस्ट्रिक्ट्स गर्ल्स का रहेगा, टोटल 52 टीम्स रहेगा। तो फर्स्ट में 19 से लेकर के अब तो 25 तक बॉयज का रहेगा लीग एंड नॉकआउट में, और 26 में बॉयज का फाइनल रहेगा। उसके बाद 26 ही फिर गर्ल्स टीम अराइवल होगा, और तब से फिर हम लोग 26 से लेकर के फर्स्ट तक हम लोग गर्ल्स का वो फाइनल करके ये प्रोग्राम खत्म करेंगे जी। और सर यहाँ क्योंकि भालपुंग काफ़ी छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे कैसे करके आप कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि अराउंड 52 टीम्स आने वाले, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स 26 टीम आने वाले, तो कैसे करके आप लोग करने वाले? इसमें ये मेन ग्राउंड सेकेंडरी स्कूल का ये मेन ग्राउंड हम लोग ने इसमें इनोग्रेशन प्रोग्राम और वैलिडिटी प्रोग्राम इसमें रहेगा, और बाकी दो ग्राउंड हम लोग सेलेक्ट करके रखा है, उसमें
शिप वाइज में हम लोग कंडक्ट करेंगे खेल। इन टोटल कह सकते हैं तीन ग्राउंड रहेगा सर, तीन ग्राउंड। और सर यहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं भी होर्डिंग वगैरह में देखने को नहीं मिली। इसमें सर अगर कोई भी विनर बनता है या फिर रनर्स रहता है तो उन्हें क्या दिया जाएगा सर? प्राइस सिस्टम है इन लोग के लिए। अच्छा मैडम, सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये एक्चुअली इसमें ऐसे है, जो हम लोग ये टूर्नामेंट है एनुअल स्कूल प्रोग्राम है, तो एवरी ईयर ये डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इसको कंडक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल, आफ्टर दैट नेशनल लेवल। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन जो आता है स्टेट में, आफ्टर द स्टेट का चैम्पियन जो है हम लोग उसको नेशनल भेजता है। नेशनल में इट इज़ एन इंटरनेशनल सर्वोत्तम मुखर्जी कप और अंडर 17 का होता है, और यहाँ का चैम्पियन बॉयज़ एंड गर्ल्स सेलेक्ट करके हम लोग स्टेट में भेजते हैं, सॉरी इंटरनेशनल दिल्ली में भेजते हैं। एंड लास्ट ईयर का जो चैम्पियन है वो इस बार रिप्रेजेंट किया है। सर वही मैं पूछने वाली थी, क्योंकि अभी क्योंकि स्टेट लेवल में सुब्रत कप होने जा रहा है और कुछ दिन पहले ही स्टेट से भेजा गया है कुछ टीम को भी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है। तो हम सर डिटेल जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये स्पेसिफिक जोन में है, तो एग्जैक्टली सुब्रत कप अभी जैसे यहाँ से भेजा गया है, तो सुब्रत कप के लिए किस तरीके से किया जाता है और क्यों स्कूल लेवल स्टेट लेवल में खेलाया जाता है, वो भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये जो सुब्रत मुखर्जी कप जो है ये तो इंडियन एयरफोर्स का स्पोर्ट्स बोर्ड के कंट्रोल के थ्रू से मनाया जाता है, एंड इट इज़ ए फिक्स प्रोग्राम। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है ये फिक्स प्रोग्राम है एट दिल्ली, और ये जो है सितंबर 19 इन द मंथ ऑफ सितंबर में होता है। तो हम लोग इन एडवांस में हम लोग कंडक्ट करते हैं ये, क्योंकि जून जुलाई एंड अगस्त ये तीन महीना में हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल कंडक्ट कर ही नहीं सकता। यहाँ का हम लोग का ये इन्वायरमेंट, ये वेदर बहुत ख़राब होता है। हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करो बोल के हम लोग ऑर्गेनाइज रिस्क नहीं ले सकता है, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेशल डिपार्टमेंट का थ्रू से हम लोग स्पेशल रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजर को दिल्ली में, तो उन लोग ने हम लोग को ठीक है बोला है। तो हम लोग स्पेशल केस अरुणाचल को दिया है कि हम लोग इन एडवांस में टूर्नामेंट को कंडक्ट करेगा, सो दैट क्योंकि लास्ट ईयर का जो चैम्पियन है 21 का, तो वो इस बार 22 में पार्टिसिपेट किया, तो इस बार का जो चैंपियन होगा वो आने वाला साल में जाएगा, ऐसा है। इट इज़ ऑल माने बिकॉज ऑफ वेट वेदर्स एंड रोड, माने क्या करेगा ये तो हर कोई जानता है, अननी से नहीं आ सकेगा, तवांग से रोड ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसमें हम लोग बच्चों को रिस्क नहीं ले सकता है, तो इसलिए हम लोग एक सूटेबल इन्वायरमेंट मंथ को देख के स्टेट लेवल इन एडवांस में हम लोग पार्टिसिपेट कराते हैं। सर अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कुछ प्राइस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन जो अगर जीतता है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश से कितने कितने बार रिप्रेजेंट कर चुका है नेशनल इंटरनेशनल लेवल बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? एक्चुअली अभी इंटरनेशनल में अभी 9th हुआ है, लेकिन हम लोग स्टेट में अभी ये 10th हो रहा है, और इंटरनेशनल इट इज़ ए 61st इंटरनेशनल सुब्रत मुखर्जी कप, और हम लोग का अरुणाचल में 2009 से शुरू किया है, 2009 में इसको इनिशिएट किया है हमारा YWO एल सकुन सिंह बोल के, हमारा डायरेक्टरेट में है, इज़ वेरी जूनियर एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वो जो स्पोर्ट्स हमारा स्कूल स्पोर्ट्स को डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें क्या है, ये अभी 10th है, अभी एक्चुअली 12 ईयर्स होना है, दो बार हम लोग मिस किया है डिपार्टमेंट, एक बार लैक ऑफ फंड एंड सेकेंड इन पेंडेमिक टाइम में। तो अभी जैसे दर्शकों ने जैसे सुना कि दोनों ही जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से और साथ एजुकेशन का, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप स्पेसिफाइड हुए हैं, और साथ ही साथ जो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रोग्राम होने वाले, कितने टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो सर लेकिन जैसे आपने बताया कि 19 को इनॉग्रल फंक्शन होगा और जैसे गेस्ट के बारे में भी आपने बता दिया, तो लेकिन हम जानना चाहेंगे कि कितने बजे से शुरू होगा ये, क्योंकि यहाँ पे आई गेस स्टेट लेवल हो रहा है, स्टेट लेवल का एक सुब्रत कप हो रहा है, तो लोगों को भी जानना जरूरी है कि कितने बजे से होगा, मैचेस कैसे करके रहेगा, वो सबको अगर आप थोड़ा बता दें। अराइवल 9th ना? अच्छा मैडम, ये एक्चुअली सुबह अराइवल हम लोग 10 बजे का प्रोग्राम शुरू है, 10 बजे से लेके हम लोग अराइवल और चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑल द डिग्निटरीज
और 10 to 10:15-20 में सब आ जाएंगे। आफ्टर दैट प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, ओपनिंग होगा। द फर्स्ट मैच विल बी प्लेड एट अराउंड 11:30 ओपनिंग। इट विल बी बिटवीन वेस्ट कमिंग एंड नमसाई। तो सर आखिर में जाते जाते जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप कुछ मैसेज या फिर सर अपील करना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? थैंक यू। मेरा अपील यही रहेगा जितना यहाँ का लोकल पॉपुलेशन है इन लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए आने से एक अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को इन लोग का एनकरेजमेंट एक रहेगा और मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू ही हम लोग बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। इसमें हम लोग का इस बार ये हम लोग ने बालूपुंग चूज़ किया गया है, छोटा सा जगह है, फिर भी एक इसमें कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। ट्रेन सर्विसेज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई कोई इंटीरियर से आने वाला स्टूडेंट्स लोग, डिस्ट्रिक्ट से आने वाला लोग, कोई कोई ट्रेन का वो जर्नी आज तक नहीं मिला होगा, इसको प्रेफरेंस देते हुए ताकि बच्चों का एक एनकरेजमेंट हो, एक मोटिवेशन हो। तो इसीलिए मैक्सिमम हम लोग ट्रेन के थ्रू, ताकि हम लोग का इकोनॉमिकली जुडिशियसली जो स्पेंड जो पैसा गवर्नमेंट दिया है उसको भी हम लोग करा सके, ये सोच करके और बच्चों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ला करके आपस में इनों का टैलेंट जो है एक दूसरे को साथ शो कर सकेगा, शोकेस कर सकेगा। और इसीलिए मैं यही अनुरोध रहेगा जितना हो सकता है वो उसको पार्टिसिपेट करके एनकरेजमेंट बच्चों को देने से अच्छा है। इसके